आईपीएल को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आई है। दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल का 15वां सीजन काफी अलग होने वाला है। आईपीएल के 15वें सीजन में 60 मैचों की बजाय हमें 74 मैच होते दिखाई देंगे। वहीं अगले सीजन में 8 टीमों की जगह हमें अगले सीजन में 10 टीमें खेलती हुई दिखाई देंगी और हमें टूर्नामेंट में 2 नई टीमों के आने के अलावा इसके फॉर्मेट में भी बदलाव देखने को मिलेगा। खबरों के मुताबिक आईपीएल 2022 में टोटल 74 मैच खेले जाएंगे और इस दौरान टोटल 10 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। वहीं जहां आईपीएल के 15वें सीजन में 94 मैचों को करवाने की बात काफी चली थी, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक बीसीसीआई के एक अधिकारी ने यह बताया कि भारतीय कंट्रोल बोर्ड अभी 94 मैचों के आयोजन के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अभी 94 मैचों के लिए तैयार नहीं हैं, हमारे ब्रॉडकास्टर तैयार नहीं हैं, विदेशी खिलाड़ी की उपलब्धता भी एक बड़ा मुद्दा है और विंडो भी खाली मिलना काफी मुश्किल होती है। वहीं भविष्य में हम ज्यादा मैचों के आयोजन के बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों अगर 94 मैचों का आईपीएल होता तो इसे पूरा होने में लगभग 2.5 महीने का समय लग जाता और जिस तरह का इंटरनेशनल शेड्यूल इस वक्त है उसे देखते हुए ये होना नामुमकिन सा लगता है। वहीं आईसीसी भी लगभग हर साल ग्लोबल इवेंट का आयोजन कराती है, इस वजह से बीसीसीआई को 74 मैचों के मॉडल पर वापस आना पड़ा, वरना आईपीएल के अगले सीजन में हमें 94 मैच होते हुए दिखाई देते। वहीं अगर बिजी शेड्यूल ना होता तो हमें आईपीएल के अगले सीजन में 94 मैच होते दिखाई देते। हालांकि अब 74 मैचों के फॉर्मेट में टीमों को 2 ग्रुप में बांट दिया जाएगा, एक ग्रुप में 5 टीम होगी। और वहीं दिल्ली कैपिटल्स के फैंस के लिए काफी बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। जी हाँ दोस्तों, श्रेयस अय्यर सितंबर में होने वाले आईपीएल के बचे हुए मैचों में दिल्ली की टीम की तरफ से हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में ये साफ हो गया है कि आईपीएल के बचे हुए मैचों में दिल्ली की तरफ से श्रेयस अय्यर हमें कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों अब आप अपनी कीमती राय में कमेंट में बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। दोस्तों अगर आपको क्रिकेट से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी को दबाएं क्रिकेट से जुड़ी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।